टॉप फाइव अपकमिंग स्मार्टफोन अप्रैल 2024। नंबर वन, Xiaomi 14 अल्ट्रा। इसके अंदर हमें 6.73 AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है और फोर कैमरा सेटअप में देखने को मिलता है, 50+50+50 MP और 32 मेगापिक्सल सेल्फी। और यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ में आएगा। इसके अंदर हमें 5300 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 90 वाट के हाइपर चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बात करें इसकी रिलीज डेट की तो यह 12 अप्रैल 2024 को आएगा। एक्सपेक्टेड प्राइस 99,999। नंबर दो, ओप्पो A2 5G। इसके अंदर हमें 6.72 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जो कि 19Hz रिफ्रेश रेट पर काम करती है। इसके अंदर हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50+2 मेगापिक्सल और फ्रंट में बात करें तो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ आता है। और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 ओक्टा कोर प्रोसेसर पर देखने को मिलेगा। 500 mAh की बैटरी 33 वाट के सुपरवोक चार्जिंग के साथ। रिलीज डेट की बात करें तो 2 अप्रैल 2024 को रिलीज होगा। एक्सपेक्टेड प्राइस 19,000 रुपये होगी। नंबर तीन, Xiaomi Redmi Note 13 R Pro। इसके अंदर हमें 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है और इसके अंदर हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि 100+2 मेगापिक्सल और साथ ही 16 MP की सेल्फी के साथ में आता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ देखने को मिलती है। बात करें इसके रिलीज डेट की तो यह 25 अप्रैल के आसपास रिलीज होगा। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो यह 24,000 रुपये का होगा। नंबर फोर, ऑनर वी प्लस। इसके अंदर हमें 7.71 OLED मेन डिस्प्ले और साथ ही में 6.41 OLED कर्व डिस्प्ले 19Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50+12 मेगापिक्सल और साथ ही में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ में। और इसके अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी और 35 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में देखने को मिलता है। बात करें इसके रिलीज डेट की तो यह 10 तारीख के आसपास रिलीज होगा। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी 17,000 रुपये होगी। नंबर फाइव, रियलमी V50। इसके अंदर हमें 6.72 IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट पर काम करती है। इसके अंदर हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 30+2 मेगापिक्सल साथ में 8 MP की सेल्फी के साथ। इसमें हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+ ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ देखने को मिलती है। बात करें हम इसकी रिलीज डेट की तो यह समथिंग 25 तारीख के आसपास रिलीज होगा। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी 21,000 रुपये होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।